दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। सो दोस्तों अभी हम लोग आ गए सुबह सुबह बारी तरफ बकरी खूटने के लिए और बकरी को इधर खूट दिए हैं। ये देखिए चर रहे हैं, घास खा रहे हैं मस्त से। तीन ठो बकरी है हम लोग का ना सूरज। तो चलते हैं अब बारी में, वहाँ से बैंगन ले लेते हैं। आज बैंगन का चटनी बनाएंगे। आ जाओ सूरज। बैंगन पूरा बूढ़ा गया, पेड़ भी पूरा बूढ़ा हो गया। तेही से ले लेते हैं बैंगन एक दो ठो, जो होगा छोटा छोटा इसी में से ले लेंगे। ये देखिए मिल गया है एक ठो छोटा, तोड़ते हैं इसको। ये देखिए छोटा सा बैंगन, और इधर होगा। ये देखिए दो ठो हो गया। और पालक साग का बीज इस तरह से हो रहा है। अब सिंचाई कर दिए हैं, बैंगन को भी सिंचाई कर दिए हैं। पकड़ो सूरज दोनों बैंगन को, और सूरज एक ठो गाजर ले लिया है, अपना ही गाजर यहाँ से ना सूरज। हाँ, और यहाँ पे देखिए दोस्तों टमाटर है पालक साग में, तो इसको ले लेते हैं चटनी में डालने के लिए होगा। दो तीन ठो टमाटर हो गया, और यहाँ भी है। ये देखिए क्या ही मस्त पका हुआ है। तो सबको रहने देंगे, घर ले जाने से सड़ जाता है। अभी घर में टमाटर है छोटा छोटा, तो ये ताज़ा वाला ले लिए हैं। और हम लोग का प्याज देखिए दोस्तों इस तरह से छोटा छोटा बैठ गया है, बस एक दो बार सिंचाई करेंगे और उखाड़ देंगे। और धनिया भी पक गया, ये देखिए। चलो सूरज चलो, हम ले लिए दो ठो और सूरज को दिए एक ठो। और हम गाजर खाते खाते जाएंगे। हाँ, और चना इस तरह से पूरा देखिए हो गया, नहीं नहीं फरा, और जो भी फरा है तो पूरा कीड़ा खा गए, यानी बर्बाद हो गया। और दोस्तों देखिए हाथी से एकदम दांत दिए। हाँ वो सब देखिए गिर रहा है, इसलिए बोल रहा है कि हाथी जाप दिया। तो ऐसा बात नहीं, हाथी नहीं आए थे, वो ऐसे ही पलट गया, ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया ना, इसलिए गिर गया। और आज का मौसम देखिए दोस्तों इस तरह से बादल, चारों तरफ बादल। सुबह सुबह में बूंदा बूंदी पानी आ रहा था, और अभी तो नहीं आ रहा है। और यहाँ पे प्याज लगा हुआ था, तो ये सब उखाड़ के ले गए दूसरे कोई का था। देखिए और घास बड़ा बड़ा है, हरा हरा घास, क्या ही मस्त एकदम लग रहा है। बैल बकरी खाएंगे का। और इधर पुटूस देखिए क्या ही मस्त फूल गया है, और फर भी दिया है, और इसका दवा भी बनता है पुटूस का। चलो सूरज पार हो जाओ, घोरना से पार हो गए। बैंगन और टमाटर लेके घर आ गए, और इधर रख देते हैं सूप में। ये देखिए पहले से और भी टमाटर है इतना सा। तो दोस्तों बैंगन और टमाटर को धो ले रहे हैं, अब चटनी बनाने का प्रोसेस चालू करते हैं। कैसे बनाएंगे वो आप लोगों को दिखाते हैं अभी। तो इसको अभी धो ले रहे हैं अच्छे तरह से, इस तरह से। इसमें देखिए दाना हो रहा है। इस तरह से गोल गोल बनाएंगे इसका, इस तरह से बैंगनी चॉप भी बनता है। तो हम लोग देख लेते हैं कहीं कीड़ा उड़ा तो नहीं है। नहीं, बैंगन को काट लिए, और अब आग जलाते हैं। धुंआने लगा है, अब थोड़ा फूंकते हैं।
आग जल गया और इसको अब चढ़ाएंगे पैन को इस तरह से। अब गरम हो रहा है, चलिए तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया है, अब डालते हैं बैंगन को। फ्राई हो रहा है, दोस्तों अब पलटी मार देते हैं। ये किस तरह से हो गया है, वाह या क्या बात है। ये देखिए क्या ही मस्त एकदम दोस्तों बैंगन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और इसको अब निकालते हैं एक एक करके। और अब डालते हैं टमाटर, इसको भी फ्राई कर लेते हैं। और साथ में डालते हैं हरा मिर्च, ये भी फ्राई होगा। पलटी मारते हैं, वाह क्या ही मस्त ये भी लग रहा है दोस्तों। देखिए मिर्चा फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। एक बार पलटी मार देते हैं, टमाटर भी फ्राई कर लिए और इसको भी रखते हैं। इसमें थोड़ा सा तेल बच गया, इसको इधर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। सब कुछ फ्राई हो गया, अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस नमक डालेंगे थोड़ा। बहुत ही आसान तरीका है बैंगन का चटनी बनाने का, यानी चोखा। इसमें डाल दिए नमक थोड़ा और अभी गरम है, इसी से अभी ये करेंगे। हमारा चटनी बनाने का तरीका कैसा रहा आप लोग कमेंट कीजिएगा थोड़ा। आप लोग से ही हमको आप लोग का कमेंट से ही हम लोग को सीख मिलता है, बहुत ही सुझाव देते हैं आप लोग और अच्छा लगता है हम लोग को। और जो भी हो रहा है आप लोग की वजह से हो रहा है। इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखिए एकदम। और दोस्तों बातों बातों ही चोखा बनके तैयार हो गया, देखिए क्या ही मस्त एकदम। लेकिन बैंगन का चटनी ना हमारे घर में कोई नहीं खाते, केवल हम खाते हैं। सूरज भी नहीं खाता है, संदीप भी नहीं खाता है, संदीप तो मम्मी भी नहीं खाती है, माँ खाती है पर अभी खाना खा ली है और चल गए हैं महुआ की तरफ। तो दोस्तों चावल निकाल के ले आए पूरा भर थाली एकदम, अभी खाएंगे, भूख काफी ज्यादा लगा है। और सब्जी में देखिए गोभी और पत्ता गोभी का सब्जी है और ये बैंगन का चोखा। चलिए टेस्ट करते हैं बैंगन का चोखा सबसे पहले, मजा आ गया, बहुत ही टेस्ट लगा, अच्छा खाने में बहुत ही टेस्ट। दोस्तों खाना खा लिए, चटनी भी पूरा खत्म हो गया, मजा आ गया चटनी खाने में। पानी है अब धोते हैं, तो चलिए कैसा लगा आज का वीडियो
आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।